गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चैप्टर ओपन। आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। का नाम है बहती नदी। इस पाठ में बताया गया है कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। इस पाठ में बताया गया है कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। ये नदियां भारत के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, देखो हमें नदियां जो हैं आर्थिक भी हेल्प करती हैं। आर्थिक मतलब हमको फाइनेंशियली, नदियां जहां अच्छे से निकलती हैं वहां पे फसलें अच्छी होती है ना, होती है ना, फसलें भी अच्छी होती हैं। सामाजिक, सोशल भी होती है, हमको नदियां एक दूसरे से जोड़ती हैं। और धार्मिक, हमारे धर्म में भी नदियों का बहुत महत्व है ना, जीवन को समृद्ध करने में अपना योगदान करती रही है। नदियों का वन और पर्वतों के साथ अटूट संबंध, अटूट मीन्स जो टूट नहीं सकता, अटूट संबंध है। पाठ में वनों की महत्ता, मतलब इस पाठ में जो है वनों की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण से बचने के लिए यह जरूरी है कि वन उगते रहें, फूलते फलते रहें, पर्वत वनस्पतियों से ढके रहें और नदियां निरंतर बहती रहें। नदियों के जल को स्वच्छ बनाए रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। पुनीत कर्तव्य मतलब हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों के जल को स्वच्छ बनाए रखें। भारत नदियों का देश रहा है। इसलिए नहीं कि देश में नदी, इसलिए नहीं कि इस देश में नदियों की अधिकता है। हमारे भारत को नदियों का देश इसलिए नहीं कहते कि इधर नदियां ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष रूप से सम्मान हुआ है। उन्हें मैया नाम से संबोधित किया जाता है। नदियों को क्या बोला जाता है? मैया। उनको, हमारे यहाँ नदियों को माँ के जैसा सम्मान दिया जाता है। इस नदियों को क्या बोला जाता है? गंगा मैया, यमुना मैया बोलते हैं ना, नदियों के साथ मैया लगाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी जो नदियां हैं उनको माँ के समान सम्मान देते हैं। नदियां हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। नदियां जो है वो हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्व रखती हैं। इनसे हमारा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन समृद्ध हुआ है। जो नदियां जो है ना, इनसे हमारे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में हमको उन समृद्ध हुआ है, मतलब फला फूला है और बहुत ही बढ़ता जा रहा है, मतलब उन्नत हुआ है। हमारा जो स्तर है वो ऊंचा उठता जा रहा है। नदियों को देवियों का स्वरूप प्रदान किया गया है। नदियां जो होती हैं उनको देवी देवताओं का स्वरूप प्रदान किया गया है। कहा गया है, गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन तन्निधम कुरु। ये एक श्लोक है जो नदियों के लिए बोला गया है। इसका मतलब होता है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु,
कावेरी नदियों के जल से समीपता प्राप्त करें। आपने कभी देखा है जो हमारे बड़े लोग स्नान करते हैं और जल्दी से अपने ऊपर पानी डालते जाते हैं और सारी नदियों के नाम लेते जाते हैं, देखा है कभी? तो वो क्या है कि हमें इन नदियों के सानिध्य मिले, हम इनके और अधिक से अधिक समीप रहें। जिस प्रकार वनों का वृक्षों से, नदियों का जल से अभिन्न संबंध है, उसी प्रकार नदियों का वनों से भी गहरा संबंध है। जैसे वृक्ष जो होते हैं, पेड़, वो बिना पानी के रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। तो जिस प्रकार वृक्ष नदियों से अभिन्न, मतलब नदियों से दूर नहीं हो सकते, उसी प्रकार नदियों का और वनों का भी गहरा संबंध है। जहां पे वन घने होंगे वहां पे नदियां भी अच्छी होंगी। तस्नीम, क्या कर रहे हो? ये है ना, गहरा संबंध है। वनों के रहते नदियां स्वतः फूट पड़ती हैं, मतलब जहां पर वन होंगे वहां पर नदियां होंगी ही, और वहां पे नदियां, जो सारी नदियां होंगी, वो सारे वनों को और ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएंगी। वन नहीं रहेंगे तो नदियां भी नहीं रहेंगी। अगर वन नहीं होंगे तो नदियां भी नहीं होंगी। मतलब वन और नदियां जो है वो एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। नदियों के ना रहने पर अगर नदियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? नदियां नहीं रहेंगी तो हमें जल भी नहीं मिलेगा, और जल नहीं, जब हमको जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हमारा जीवन बिना पानी के आप सोच सकते हैं कैसा रहता है? बताइए, सोच सकते हैं? बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारा जीवन जो है वो सूख जाएगा पूरा। अतः हमारे जीवन में वनों और नदियों का बराबर महत्व है। मतलब हमारे जीवन में नदियां और वन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, ये जो नदियां हैं ये आज भी भारत में बह रही हैं। अब नदियों का कोई फिक्स तो प्लेस है नहीं कि ये यहां से कहीं और नहीं जा सकती, है क्या? नहीं है। तो नदियां जो हैं, ये जो गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी जो हैं, ये आज भी भारत में बह रही हैं, पर अब वे मोक्षदायिनी नहीं रह गई हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि पर वो अब मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी मीन्स हमको मुक्ति देने वाली या मोक्ष देने वाली नहीं है। जैसे हमारे धार्मिक दृष्टि से बोला जाता है कि गंगा, यमुना जो होती हैं, ये नदियां हमको क्या देती है? मोक्ष प्रदान करती हैं। तो ये आज के समय में ये नदियां क्या हो गई हैं? अब मोक्षदायिनी नहीं रह गई हैं। अब इनको हम मोक्षदायिनी नहीं कह सकते, क्योंकि इन नदियों का जल प्रदूषण का शिकार हो गया है। सरकार गंगा नदी की पवित्रता को पुनः लौटाने के लिए कटिबद्ध है। मतलब अब क्या हुआ है, लोगों ने नदियों को क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है, दूषित कर दिया है। तो अब इन नदियों को हम मोक्षदायिनी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, गंगा नदी की पवित्रता को पुनः लौटा लाने के लिए कटिबद्ध है। कटिबद्ध होना मतलब पूरी तरह तैयार होना। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इन नदियों की सफाई कर रही है, और वह इसकी पवित्रता को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नमामि गंगे योजना पर भारी खर्च करके इसे सफल बनाने के प्रयास कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है? एक प्रोजेक्ट चलाया है नमामि गंगे, जिसके द्वारा, इस वाले प्रोजेक्ट में गंगा नदी को साफ किया जाएगा। इस नदी को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ किया जाएगा। ये हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो अभी चल रहे हैं। गंगा, जिसे हम विष्णुपदी, जाह्नवी, मंदाकिनी और भागीरथी आदि नामों से जानते हैं, वही गंगा गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा के रूप में मिलती है। तो जो इसमें क्या बोला है, विष्णुपदी, जाह्नवी, मंदाकिनी और भागीरथी, ये सब क्या है? गंगा के पर्यायवाची। गंगा जानते हो ना, गंगा नदी होती है ना?
उसके पर्यायवाची कौन से वर्ड है? विष्णु प्रदेश, जाह्नवी, मंदाकिनी और भागीरथी। हम इन नामों से भी गंगा नदी को जानती हैं और ये अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम भी हैं। वही गंगा गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा के रूप में मिलती है। जब यही नदी जो है जब देवप्रयाग में पहुंचती है गंगोत्री से निकल के, तो वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। आगे गंगा नाम धारण कर हरिद्वार तक की यात्रा करती है। उसके बाद जब ये प्रयागराज से निकल देवप्रयाग से निकलती है और आगे जाती है, तो हरिद्वार में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तीर्थराज प्रयाग में यमुना सरस्वती को अपने में मिलाती हुई काशी पटना होती हुई गंगा सागर तक जा पहुंचती है। और जब यही गंगा नदी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचती है, तो वहां पे यमुना और सरस्वती नदियां जो है वो इसकी सहायक नदी होती है, और इसमें मिलकर ये तीनों नदी एक साथ काशी और पटना होती हुई गंगा सागर तक पहुंच जाती है। यही हाल यमुना नदी का भी है। यह गंगा की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। जो ये बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ये जहां से भी बहती जाती हैं, इनके आसपास के क्षेत्र में जो भी नदियां होती हैं वो इनमें मिलती हुई जाती हैं, और यह इनकी क्या हो जाती है? सहायक नदियां बनती जाती हैं। सहायक नदियां मतलब इन्हीं से बढ़ती हुई आगे निकल जाती है, इनमें मिल जाती है नदियों में और फिर ये आगे बढ़ जाती है। यह हिमालय पर्वतमाला में कामेत पर्वत, यह जो है यह हिमालय पर्वत तक कामेत पर्वत के आगे से निकलती है। यमुनोत्री आज की कुरसौली से 12 किलोमीटर दूर है। ये जो नदी है हिमालय पर्वतमाला में कामेत पर्वत के आगे से निकलती है। हिमालय पर्वतमाला जो है, पर्वतमाला मतलब वहां पे जो और भी छोटे छोटे जो पर्वत है वो सब साथ में है, तो वहां से ये नदी निकलती है। और जो यमुनोत्री है वो आज का जो प्लेस है कुरसौली, वहां से 12 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर है यमुनोत्री जो है वो? आज के कुरसौल से 12 किलोमीटर दूर है। पाली भाषियों में अनुतत्त झील को ही गंगा के साथ यमुना और पाली भाषियों में अनुतत्त झील को ही गंगा के साथ यमुना और अचिरावती, सरयू तथा मही नामक नदियों का भी उद्गम माना जाता है। मतलब ये जो गंगा नदी है, उद्गम मतलब क्या होता है? निकास, या ये नदी कहाँ से निकलती है। तो इसको अनुतत्त झील को ही गंगा के साथ यमुना और अचिरावती, सरयू तथा मही नामक नदियों का, मतलब इतनी सारी नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब वहां जहां से वो नदियां निकलती हैं माना गया है। गंगा यमुना के बीच के प्रदेश को अंतर्वेद कहा गया है। मतलब इन दोनों के बीच में जो प्रदेश पड़ता है उसको क्या बोला गया है? अंतर्वेद। गंगा यमुना के इसी संगम पर रामायण कालीन भारद्वाज ऋषि का आश्रम भी है। गंगा यमुना का संगम है जहां पर, वहां पर रामायण काल में ही ऋषि भारद्वाज को पढ़ा होगा आपने कभी सुना हो, तो उनका आश्रम भी वहीं पर है। इस देश की नदियां ही इसकी श्री रही है। श्री मतलब होता है हमारी जो धन संपदा होती है, तो हमारे देश की श्री या हमारे देश की धन संपदा क्या है? यही नदियां। इस देश की 80%, हमारा जो भारत देश है इसकी 80% आबादी जो है, जनसंख्या नदियों के घाटी क्षेत्र में निवास कर रही है। मतलब हमारे देश की जो 80% जनसंख्या है, 80% जो हमारी टोटल आबादी है वो कहाँ रहती है? इन्हीं नदियों के घाटी क्षेत्र में निवास करती है। वनों और नदियों का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब बहुत ही गहरा और करीबी, मतलब एकदम पास का संबंध है। वन नदियों को न केवल उथली होने से बचाते हैं, उथली मतलब वन जो होता है, वनों से क्या होता है कि जो नदियां
गहराई कम नहीं पड़ती। अगर वहां बंद नहीं होंगे तो जो जमीन के अंदर जो वाटर लेवल होगा हमारा वो कम पड़ जाएगा, तो नदियां कैसी हो जाएंगी, उथली, उनमें उतनी गहराई नहीं रहेगी, उनमें उतने अंदर तक पानी नहीं रहेगा। तो वन जो है वो हमारे इन नदियों को उथला होने से बचाते, मतलब जो उस जमीन का जो वाटर लेवल है वो घटने नहीं देते हैं। बल्कि भूमिगत जल को सुरक्षित रखकर नदी के पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। भूमिगत जल वही कहलाता है जो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है ना, हमारा वाटर लेवल जो होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको कम नहीं होने देते हैं। हमारे देश के भू धरातल की 12% से अधिक भूमि समुचित रूप से वृक्षों से ढकी नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि हमारे देश का जो टोटल भूभाग है, मतलब जितना भी टोटल लैंड एरिया है वो क्या है कि 12% से अधिक भूमि समुचित रूप से वृक्षों से ढकी नहीं है। मतलब हमारा जो टोटल, हमारी कंट्री का जो टोटल लैंड एरिया है वो 12 मतलब 12% से भी कम एरिया में उसमें क्या है समुचित, मतलब जो पूरी तरह से ठीक, पूरी तरह से भरा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि हमारे यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, तो हमारा जो टोटल हमारी कंट्री का जो लैंड एरिया है उसका समथिंग समथिंग 12% एरिया है जो पेड़ों से कवर है, जो कि बहुत कम ही है, जो बहुत कम है, जबकि 33% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी हमारे यहाँ का कितना है जो पेड़ों से कवर्ड है जो एरिया कितना है, 12%, लेकिन इसका कितना टारगेट किया गया है, 33% उसको कवर करने का उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है कि कितना करेंगे इसको, 33% करेंगे, पर अभी तक कितना है, ओनली 12%, मतलब इससे डबल अभी हमको वृक्ष लगाने की, वन जो है वो उगाने की जरूरत है। वनों, पर्वतों और नदियों का बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, ये तीनों एक साथ रहते हैं। एक साथ वन और नदियां, ये जो है एक साथ वन और नदियां मैदानों में उतरते हैं, पर आज क्या है, वनों, पर्वतों और नदियों का बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, ये तीनों एक साथ है, मतलब ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। एक साथ वन और नदियां मैदानों में उतरते हैं, पर आज वनों का जो हाल है उससे नदियों की रक्षा करना संभव नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो सब रोज 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 क्या होता है, वन काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे नदियों को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आपको ये तो आप सबको पता है कि जहां पे पेड़ रहते हैं तो वहां पे मिट्टी इकट्ठी रहती है, वहां पे पानी भी ज्यादा होता है, लेकिन जब हम पेड़ ज्यादा काटेंगे तो क्या होगा, उससे ज्यादा पेड़ कटेंगे तो वहां का वाटर लेवल कम होगा और जो पानी है वो पीछे पीछे होता जाएगा ना, वाटर लेवल और घटता जाएगा और जो उसका एरिया होगा वो और पीछे जाता जाएगा। तो अगर हम ज्यादा पेड़ काटेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वनों की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और हमारे जो वन है वो भी खराब होंगे और साथ में जो नदियां हैं वो भी और खराब होती जाएंगी। नदियों में जिस प्रकार गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, बस्तियों और उद्योगों का गंदा पानी नदियों के जल प्रवाह में मिल रहा है, उससे नदियों का जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। मतलब नदियों में क्या है कि नदियों में और सारा जो जितनी भी शहरों की गंदगी होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, इसका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये सारा कहाँ छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ देते हैं ना, और सारा वेस्ट और जो जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी होता है और शहरों का कचरा होता है, जो गंदगी होती है वो सारी कहाँ पे, नदियों में छोड़ दी जाती है, जिससे लगातार हमारी नदियां गंदी होती जा रही हैं, प्रदूषित होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ना तो कश्मीर ही स्वर्ग रह गया है और ना काशी ही तीन लोक से न्यारी रह गई है। मतलब
क्या कहा जाता है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है ना। और काशी जो है, काशी को बोलते हैं कि यह तीनों लोकों से भी अलग है, मतलब तीनों लोकों से भी सुंदर है। तो अगर इसी तरह सब कुछ प्रदूषित होता रहेगा तो ना तो कश्मीर पे स्वर्ग रहेगा, हमारी धरती का स्वर्ग हम कश्मीर को कह पाएंगे, और ना ही जो काशी है वो हमारी क्या होगी, और ना ही हमारी काशी तीनों लोकों से न्यारी रहेगी। भारत में वन्य पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों और जलाशयों की विविधता और बहुलता को भी सभी जानते हैं। देखो, भारत में वन्य पशु जो हैं, पक्षी, वनस्पति, जलाशय, मतलब जो तालाब होते हैं, ये सब कैसे हैं, इनमें बहुत प्रकार के हैं और बहुत सारे भी हैं। इनमें मतलब बहुत विविधता भी है, मतलब बहुत प्रकार के, और बहुलता मतलब बहुत अधिक संख्या में भी है। निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या के दबाव में इन सभी पर बुरा प्रभाव डाला है। लेकिन जैसे हमारे भारत में वन्य पशु बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारी प्रजातियां हैं, पक्षियों की हैं, वनस्पतियों की हैं, जलाशय हैं, बहुत सारे छोटे बड़े हर प्रकार के तालाब वगैरह सब कुछ हैं। लेकिन जो हमारी जनसंख्या जो रोज निरंतर बढ़ रही है, निरंतर मतलब लगातार और इतनी तेजी से जो बढ़ती जा रही है, तो इन सबका बुरा प्रभाव, जनसंख्या का इस सब पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस सबके कारण हमारे जो वन्य पशु, पक्षी, वनस्पति, ये हैं, इन सब पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगा बढ़ेगी उतना ही हमको सारे उन लोगों के लिए संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। तो जब वो सारे संसाधन चाहिए होंगे तो हमें उतनी जगह, ज्यादा जगह भी चाहिए रहने के लिए, और खाने के लिए भी ज्यादा जगह चाहिए, पानी भी चाहिए, मतलब सब कुछ हमें उसके लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें इन सब चीजों को नुकसान पहुंचता है। हमें पता है कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के स्वयं जात वन नष्ट होते जा रहे हैं। स्वयं जात मतलब होता है नेचुरल। अब ये इतने सारे वन हैं, ये क्या इंसानों ने थोड़ी उगाए हैं क्या, ये सारे नेचुरल हैं, इनको इंसानों ने नहीं उगाया है। तो स्वयं जात वन वही कहलाते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं। अब हम ये भी जान रहे हैं कि इन सब कारणों से, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ प्रदूषण, इन सब के कारण जो स्वयं जात वन है, जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, वृक्ष मीन्स भी पेड़ होता है, तो इनके जो चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, तो इनके जो वन थे वो अब अपने आप ही नष्ट होते जा रहे हैं। जहां जहां भी दुर्लभ जाति के पशु पक्षी और वनस्पतियां मिलती हैं, वे सब प्रायः पहाड़ी क्षेत्र हैं, और बढ़ती हुई आबादी के कारण इनका नाश रोकना संभव नहीं है। अब साथ साथ क्या है कि जो भी दुर्लभ, मतलब जो बड़ी मुश्किल से जो पशु पक्षी मिलते हैं, कितने ही पशु पक्षी हैं जो पहले थे, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो गई उनकी प्रजातियां, अब वो देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही कई पशु पक्षी भी ऐसे थे, छोटे छोटे पक्षी, बड़े सुंदर सुंदर से, कि जो आबादी बढ़ी तो बहुत सारे ये जंगल काट दिए गए, वन काट दिए गए, तब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा वहां, है ना। वो कुछ भी नहीं, उनको जगह नहीं मिल रही, उनको सही से रहने के लिए वृक्ष नहीं मिल रहे, जगह नहीं मिल रही, और आबादी क्षेत्र है तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे वह सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। और ये इन सब का मेन रीजन क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, इन सारे परेशानियों का मेन कारण यही है। देशी पौधों की बात करना और उनकी पहचान में घूमना अब पागलपन में गिना जाने लगा है। पढ़े लिखे और तथा कथित शिक्षित लोग ऐसी बातों का उपहास उड़ाते हैं। उपहास मीन्स मजाक, मजाक बनाना। मतलब अगर अब कोई भी व्यक्ति जो है वो देसी पौधों की घूम फिर के उनकी पहचान करे या उनका कुछ ऐसा कलेक्शन करे, तो अब इन सबको जो पढ़े, कहने को पढ़े लिखे लोग हैं, तथाकथित मतलब कहने के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, इनको
पागल समझते हैं, इनका इस तरह से काम करना उनको क्या लगता है कि पागलपन है ये सब, और ऐसे लोग उनका ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब साहित्य में भी उनकी चर्चा होती है, मतलब अब साहित्य में भी उनको लाने लगे हैं। स्वयंजातपनों के ना रहने पर वनस्पतियों का भंडार समाप्त होता चला जाएगा। मतलब कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनको हम नहीं उगा सकते, वो नेचुरली खुद ही उगते हैं। लेकिन अब जब स्वयंजात वन ही नष्ट हो जाएंगे, खुद से उगने वाले वन ही सारे नष्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और इतनी वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, वो सब क्या होगा, खुद ही खत्म हो जाएंगी। जब विष्णु को लिटाकर देवों ने असुरों से संग्राम में हार कर भी छल से सारी पृथ्वी अपने लिए ले ली, तो उन्होंने औषधियों वनस्पतियों के मूल में यज्ञ को पाया, क्योंकि औषधियां पृथ्वी पर थी और उन्होंने वहां यज्ञ को पाया था, अतः पृथ्वी का नाम वेदी भी पड़ गया। पृथ्वी का एक और पर्यायवाची क्या हो गया, वेदी। बोलिए आप लोग भी, क्या है पृथ्वी का एक और पर्यायवाची, वेदी। ठीक है, तो आपने कभी किसी सीरियल वगैरह में देखा हो उसमें कि वो राक्षस और देवता होते हैं, वो लड़ाई करते हैं, फिर उस समुद्र में से सब सांप वो निकलता है, तो उसमें से क्या निकला है, उसमें से औषधियां वगैरह सब मिली और उन लोगों ने विष्णु भगवान से क्या ले लिया था, अपने लिए पृथ्वी ले ली थी। और जो सारी औषधियां वनस्पतियां हैं ये सब कहाँ पे है, ये सारी पृथ्वी पर ही है। तो जब उन्होंने पृथ्वी अपने लिए ली देवताओं ने, तो उनको पृथ्वी की सारी चीजें अपने आप ही मिल गई, है ना। दूसरे शब्दों में भारतीयों की यह पुरानी मर्यादा रही है कि पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। जो भारतीय लोग हैं वो पृथ्वी को धरती माता बोलते हैं ना, हम धरती माता पैर भी छूते हैं, हम धरती को भी ईश्वर के बराबर मानते हैं ना, है ना। हमारे धार्मिक दृष्टि से हम नदियों को भी माता बोलते हैं, पृथ्वी को भी माता बोलते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी भूमि को पहचाने, उस पर लगी वनस्पतियों की रक्षा करें और नदियों में स्वच्छ जल प्रवाहित होने दें। मतलब अब आज हमारी क्या जरूरत है, अकेले उसको धरती माता या नदी माता कहने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है कि हम अपनी भूमि को पहचाने और उस पर लगी वनस्पतियों को और उस पर जो वृक्ष है इन सबको हम क्या करें, इनकी रक्षा करें, इनको पहचाने, और नदियों के जल को हम कभी भी गंदा ना करें, इसको हम कभी भी गंदा ना करें इसको, और नदी में हमेशा शुद्ध जल को प्रवाहित होने दें। समझ में आया आपको, हमेशा उसको हमें प्रवाहित होने देना है और उसको हमेशा ही क्या करना है, शुद्ध रखना है, वनस्पतियों की रक्षा करनी है, जिससे कि हमें सारी चीजें मिलती रहे, सारी चीजें बची रहे, इसमें से कुछ भी नष्ट नहीं होना चाहिए, ना ही वनस्पति, पेड़ पौधे, वन, है ना, और नदियों का जल हमेशा स्वच्छ रहे। समझ में आया आपको चैप्टर, समझ में आया, बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया। और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप पूछ लीजिए, है ना, आप कमेंट करना, आप भेजना। आया समझ में तस्नीम, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड करके रखना है, इसके वर्ड मीनिंग भी आप दोबारा पढ़ना, ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको पढ़ने हैं।
है। परी आया समझ में? हाँ आया? मैम, यस बताइए। मैम, यस मैम, आया आप लोग यस मैम, यस मैम, को? आगे आप रीड करके रखिए। और यस मैम, ठीक है, मैम होमवर्क, मैम होमवर्क की चैप्टर रेडी है। चैप्टर होमवर्क आपका आ जाएगा बेटा। मैम आपकी आवाज कट कट रही है मैम। बोलो। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम अभी पहले से ठीक आ रही थी? क्लियर आ रही है अब। ठीक है, आपको जो जो भी समझ में नहीं आए आप लिखना कमेंट बॉक्स में, आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, गुड डे। हाँ सबको समझ में आ रहा? यस मैम, यस मैम।